दोस्तों अभी ये मिट्टी खोद रहे हैं क्योंकि रात में बारिश। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और मौसम दोस्तों बहुत अच्छा है, रात भर पानी बरसा है दोस्तों बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तो इस तरह की मिट्टी है कि पानी नहीं दिख रहा है, पूरा मतलब मिट्टी में सोख गया है। और लीपा पोता भी थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है ना, अच्छा लग गया बारिश। अभी ये मिट्टी खोद रहे हैं क्योंकि रात में बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, हल्का हुई है, तो मिट्टी हो गई है मुलायम, तब खोदने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मिट्टी खोद रहे हैं। हाँ लगा लो, दियार बहुत हो गई है ना दोस्तों, रात में पानी बरसा है ना, तो कहीं कहीं ऐसा थोड़ा थोड़ा सा पानी आ गया था, बौछार उछार का तो दियार ज़्यादा आ गया है ना। हाँ दियार छुटा दो, दीवार में दियार लग गई है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे है, उधर है, उधर है, और यहाँ का तो हम छुटा ही लिए थे, उधर का छुटा दो। बिट्टे बिट्टी बाय बाय करो दोस्तों, बिट्टी हमारी खेल रही है, मौसम ठंडा है और नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा दोस्तों, रोती है, परेशान करती है, काम वाम नहीं करने देती, और देखो कैसे खेल रही है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं महुआ की रोटी रेसिपी, तो सबसे पहले दोस्तों महुआ लगेगा, तो जय जी महुआ लाओ दोस्तों। ये है महुआ, इतने सारे महुआ हैं, और मूसल लाओ यहाँ पर रख देते हैं। और बिट्टी दोस्तों अकेले बात कर रही है, उसके साथ कोई नहीं है। लोहड़ी लाओ, लोहड़ी में कूटेंगे, लोहड़ी में कूटेंगे, लेकिन लोहड़ी मूर्चा है क्या? हाँ झूल के ले आओ दोस्तों, ये लोहड़ी में कूट लेंगे, तब इसमें मूर्चा लगा है, लोहे की लोहड़ी है तो मूर्चा लग ही जाता है, और उसको धुलने के बाद में मूर्चा लग जाता है, फिर दोबारा धोना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है ना, तो धुल लो दोस्तों। महुआ काटने गए अभी हम, तो दिखाते आपको कैसे काटते हैं, लेकिन मूसर भी ले आओ, तो लो मुझे दे दो, उधर से मूसर दे दो, मूसर दे दो। दोस्तों ऐसे ही काटा जाता है, इसमें टाइम बहुत लगता है काटने में, कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा काटते काटते, जल्दी छोड़ता नहीं ना। अब बिट्टी रो रही है, बिट्टू को देख लो, सुनो बिट्टू को देख लो, जाओ जाओ देखो, वो डर गई क्या, सो रही थी, हाँ बेटा सो रही थी दोस्तों, बिट्टी तो रोने लगी अचानक, देखती है कि कोई नहीं है तो रोने लगती है, अगर कोई उधर होगा ना पास में तो नहीं रोती है। हो गया ना, दिखाओ दिखाओ, थोड़ा कूट गए दोस्तों, महुआ तो कूट गए हैं, और इतना सारा कचरा निकला है, ये कचरा इतना निकला दोस्तों, काफ़ी कचरा निकला है, ये पूरा कचरा इसी महुए का है, फटक फटक के निकाला दोस्तों, बहुत देर लगे कूटने में हमको ना, बहुत टाइम लग गया है दोस्तों, तो अब इनको सबसे पहले कूट गया ना, तो अब दोस्तों उबालेंगे। चैला इला फाड़ दिया है, और लकड़ी भी पूरा इकट्ठा कर दिया है, और महुआ भी हमारे कूट गए हैं, यानी कि पूरा काम हो गया है,
अब महुए को उसेना है तो भगोना है तो भगोना में उसे लेंगे। तो दे जी रखो महुआ तो भगोना रखो। अभी लेवा लगा लेते हैं तो फिर कोयला लग जाएगा ना छोटे वाले। ठीक लगा के तुरंत लगा लो लगा लो लगा लो। दोस्तों क्या है ना कि वो जल जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं और मानना पड़ेगा ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मानना भी पड़ेगा, मानना तो पड़ता ही है लेकिन जल्दी छूटता नहीं है ना। और ये मिट्टी लगा देंगे ना जया जी तो पूरा छूट जाएगा जल्दी से। मौका डालो फिर डालो देखो ठीक है ना। ठीक डाल दो। दोस्तों ये महुआ है अभी उसे के लिए रख रहे हैं, जया जी रख रही हैं तो अभी इसमें महुआ पड़ गए, पानी डाल दिया जाएगा उसे के लिए, इसको रख दिया जाएगा बढ़िया ढक के। लाओ पानी डाल दो डालो इतना हो जाएगा ना सही है। और डाल दो वो फूलेंगे फूलते नहीं, और डाल थोड़ा और बस। दोस्तों पानी डाल दिया गया है और इसमें जो कचरा है ना तो बाद में सब साफ हो जाएगा ना, बाद में जब उसे जाएगा ना पूरा कचरा दोस्तों छूट जाएगा। दोस्तों चूल्हा जला दिया है जया जी ने और ये हांडी भी रख गई है और इसको ढकना पड़ेगा ना, ढकने के लिए लाओ तो कुछ ढक दो। ये तवा रख दिया गया है तो ज़्यादा अच्छे। दोस्तों महुआ पक गए हैं अभी जया जी उतार रही हैं, उतारो। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त महुआ पका है, एकदम से बड़ा बड़ा फूल गया है ना, उतार के इसमें डाल लो। दोस्तों धूप निकल आई अभी तक तो बहुत अच्छा ठंडा था ना, हाँ डालो फिर। देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा महुआ है और पूरा अच्छी तरह से पक गया है, पूरा फूल गया है, हाँ पूरा फूल गया है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है। दोस्तों अब ये पानी थोड़ा हटा लेंगे और फिर इसको नए पानी से धुल देंगे क्योंकि ठंडा भी हो जाएगा और फिर बाद में इसको सिलौटी में पीसने जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे ना कैसे पीसते हैं ना। दोस्तों महुआ का भी जय जी बांट रही हैं, बहुत अच्छे से दोस्तों बट रहे हैं महुआ, कोई ज़्यादा मतलब टाइट नहीं है ना, एकदम आराम से बट जा रहे हैं। दिखाओ हो गया ना। दोस्तों बांट दिया है जय जी ने पूरी पीठी, अब इसको पीठी बोलेंगे क्योंकि बट गया है। महुआ देखो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है, कितना मस्त ना। अब इसमें आटा लगाएंगे, धुल के रख देंगे दोस्तों तो बाद में दूसरा कुछ बांटने काम आएगा, नहीं तो फिर सूख जाता है तो फिर दूसरा चीज़ बांटे जैसे नमक बांटेंगे और कुछ भी बांटेंगे तो फिर इसका महक उसमें पहुंच जाता है। अब महुआ का महक बना ही रहता है ना, महुआ जैसा मांगता रहेगा। हाँ चला हुआ आटा है, छान लिया गया है और इतना मिला रही है, और मिला दो और डालो पीठी के बराबर। हाँ बस दोस्तों जितना पीठ डाले ना उतना ही आटा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, एकदम जितना पीठी उतना आटा बराबर बराबर किया है ना। अब इसको गूंदेंगे जय जी मारेंगे और बिट्टी दोस्तों हमारे यहाँ पर सो रही है खूब अच्छे से, करवट लिए हुए है और अपना अंगूठा पीती रहती है अभी। नहीं करो मारो पहले से ही पानी डाल, गीला बहुत है, लग रहा है गीला है, पहले से ही हो जाएगा मुझे लग डालो डालो। ये देखिए दोस्तों कितनी मस्त रोटी बनी है, महुआ की रोटी
मतलब से जया जी तेल लगाए हैं इसमें, पीठी में तेल लगा लगा करके इसे बना रही है, नीचे चिपक जाता है हाथ में तो बराबर बनता नहीं है। और इतना सारा अभी बनाएंगे दोस्तों हम, एक तो पक गई है देखिए कितना मस्त है, कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है लेकिन तो खाने में बहुत मस्त रहती है। तो दोस्तों रोटी हमने बना लिया है और बहुत अच्छी रोटी बनी दोस्तों महुआ की, और महुआ का कलर ही ऐसा होता है तो इसके लिए कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है डार्क ना, तो रोटी बहुत अच्छा दोस्तों बनी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। खाओ अभी दोस्तों, खा जाइए और आप बना भी सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर करेंगे समाप्त।